ऐसे मुश्किल समय में हमें नौकरी कहाँ मिलेगी? नहीं दी हमें बिल्कुल भी सैलरी, हम काम कर रहे हैं। ऐसे हमारे साथ अन्याय हुआ है, ऐसे हमारे साथ अन्याय हुआ है। एक तरफ जहां लोग कोरोना के चलते लॉकडाउन की मार झेल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एक निजी कंपनी ने अपने सैकड़ों मजदूरों को कंपनी से निकाल दिया है, जिससे उनकी रोजी रोटी बनाई है। इसी के चलते आज कर्मचारियों ने रोड पर खड़े होकर कंपनी से अपनी रोजी रोटी की गुहार लगाई। दिखाई दे रहा ये नजारा वल्लभगढ़ के समीप स्थित निजी कंपनी के बाहर का है, जहां पर आज सैकड़ों कर्मचारी हाथों में बैनर लेकर गुहार लगा रहे हैं कि उनकी रोजी रोटी बचाई जाए, क्योंकि उनको कंपनी से निकाल दिया गया है। कामगारों की माने तो वे कंपनी में पिछले 20 से 25 साल से नौकरी कर रहे हैं, लेकिन अब उनको एक मैसेज दिया गया है और उनका गेट भी बंद कर दिया गया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तरुण चौहान है। तरुण चौहान जी, प्रदर्शन कर रहे हैं आप जेसीबी कंपनी के सामने? हाँ जी। क्या मांगे हैं, किस लिए प्रोटेस्ट कर रहे हो? सर, प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं, कंपनी ने बिना बात करे, बिना हमें इन्फॉर्म करे, एक मैसेज के थ्रू हमें कंपनी से निकाल दिया है। उसमें बस इतना ही लिखा था कि आपको एक महीने का नोटिस पीरियड है और कंपनी ने निकाल दिया है। कंपनी प्रबंधक कोई भी हमारे से बात नहीं कर रहा है, हमें दरवाजे के अंदर नहीं जान दिया जा रहा है। इकोनॉमिक्स टाइम्स में छपा है कि एम्प्लॉयज़ को 6 महीने की सैलरी देंगे, लेकिन किसी भी प्रकार की ऐसी कोई हमें बात नहीं करी गई है, कोई सैलरी नहीं मिल रही है। हम यहाँ लगातार 10 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कंपनी का कुछ कहना यह है कि हमारे यहाँ पीछे से काम नहीं है, लेकिन ये सब बातें झूठ है। पिछले साल की आप बात करेंगे, मई के महीने में जो प्रोडक्शन थी और इस कोरोना के टाइम में मंदी में जो मई की प्रोडक्शन है, पिछले साल से भी ज़्यादा है। सारी मशीनों को ये जयपुर लेके जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, सारी मशीनों को जयपुर लेके जा रहे हैं, सारा काम जयपुर लेके जा रहे हैं। यहाँ पर ये जानबूझ के ऐसा करा जा रहा है, अंदर सारा काम चल रहा है। अभी भी बहुत सारे लोगों को बुलाया जा रहा है, लेकिन हमारे साथ ऐसा किया गया है। कुल मिला के 1000 कर्मचारियों को सुनने में आ रहा है यहाँ से निकाला जाएगा। पुणे से 2000 लोगों को निकाला गया है। तो कोई कंपनी प्रबंधक ने कोई आश्वासन, कोई बातचीत करी है? कोई आश्वासन नहीं दिया है। अब इनसे हम इन्हें यही कह रहे हैं कि सर, आने वाले 6 महीने तक हमें कहीं तनख्वाह नहीं मिलेगी, जॉब नहीं मिलेगी, तो हम कैसे घर चलाएंगे, हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे, घर में क्या खाना खाएंगे हम? हम प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि ऐसे समय में किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, किसी की नौकरी नहीं जाएगी, लेकिन ऐसे समय में आप खुद देख सकते हैं कि जेसीबी जैसी कंपनी जो हरियाणा में सबसे बड़ी कंपनी है, इतने लोग उसमें काम करते हैं। सोचिए कि अगर 1000 कर्मचारियों को भी यहाँ से निकाला जाता है, पर घर से 5 बंदे हैं, तो सोचिए कितने परिवार ऐसे भूखे मरेंगे। आप सोचिए पूरे इंडिया से। क्या कंपनी प्रबंधक से कोई बात नहीं है आपकी? सर, कोई कंपनी का प्रबंधक हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। जब हम उन्हें कह रहे हैं कि सर हम कैसे 6 महीने सर्वाइव करेंगे, हमारी जॉब कैसे लगेगी, तो सोचिए वो हमें कोई रिप्लाई नहीं कर रहे। सर, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही, हम लगातार 10 दिन से यहाँ अनशन पे बैठे हैं, लेकिन हमें कोई नहीं सुन रहा। सर, हम लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया है जी, और बिना इन्फॉर्मेशन के निकाला गया है। और जैसे हम लोग लॉकडाउन में घर पे थे, और घर पे ही मैसेज भेज दिया गया कि आपको 1 जुलाई से ये क्या बोलते हैं, फुल एंड फाइनल मिल जाएगा। तो क्या वजह है जो इतने कर्मचारियों को कंपनी से निकाल? वजह कुछ नहीं है, यहाँ से जयपुर कंपनी ले जा रही है, प्रोडक्शन वहाँ जा रहा है जी। वजह और कुछ नहीं है, वजह इस 20 महीने की प्रोडक्शन 2160 गाड़ियों का है जी। ये नहीं है कि इनकी प्रोडक्शन नहीं है या कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या इस बीच कंपनी प्रबंधक से बात हुई आपकी? नहीं, कोई बात नहीं कर रहे हैं, अब तो पानी पीने से भी मना कर दिया इन लोगों ने। तो सभी इस बात का विरोध कर रहे हैं कि? हाँ जी, अब हम लोग क्या खाएंगे, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, अब बीमार होंगे, उनको इलाज कैसे कराएंगे कोरोना काल में? प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि किसी को नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। सैलरी की बात आ रही है, कितने महीने की सैलरी है उसमें? क्या चीज़ सैलरी की जो बात आ रही है, कितने महीने की सैलरी आपकी रुकी हुई है? हमारी सैलरी जून महीने तक जुड़ी है। लोग इस कंपनी में हमारे 104 साथी को कंपनी ने निकाल दिया है, और प्लस में कम से कम 300 और लोगों को निकाल दिया है। लमसम जो आइडिया लग रहा है कि 700 लोगों के निकालने की बात चल रही है। हम लोगों को बिना हमारे हमें एक दिन भी सोचने का मौका नहीं दिया। हमारे पास एक मैसेज आया कि आप नोटिस पीरियड में चल रहे हैं और आपको कंपनी बाहर निकाल दी है। जब हमने पूछा हमें क्यों निकाला गया है, हमारे निकालने क्या वजह है, तो कोई भी हमसे बात नहीं कर रहे हैं, ना कोई भी बंदे हमारा फ़ोन उठा रहे हैं। क्या वजह जो इतने कर्मचारी को एक साथ निकाल दिया गया, वही हम पूछना चाह रहे हैं। हमें कोई नहीं बता रहा, बस ये बता रहा है कंपनी नहीं चल रही है, लेकिन अंदर कंपनी में डेली मशीनें बन रही है और सब चीज़ें बिल्कुल सही चल रहा है। तो क्या कंपनी प्रबंधक से बात नहीं हुई अभी? कोई भी हम लोगों से बात नहीं कर रहा है, ना तो कोई हमसे मिलने आ रहा है। हम लोग डेली धूप में खड़े हो रहे हैं। हमारे साथ ही एक बंदा जो ऐसा है, जो अभी कुछ दिन पहले बेहोश होकर गिर गया था, फिर उसके बाद अंदर जेसीबी वाले हमें पानी भी नहीं पिला रहे और बोल रहे हम पानी भी नहीं देंगे, जबकि हम लोग अभी नोटिस पीरियड में 2 जुलाई तक। लेकिन तो आप कितने समय से काम कर रहे थे यहाँ पे? हम लोग मैं यहाँ पर 2006 से काम कर रहा हूँ, और हमारे बहुत ऐसे साथी हैं जिनको 20 साल 24 साल भी हो चुका है, जो हमारे साथ ही हैं।
सैलरी और सैलरी ना मिली है वो उस बात को ले, कितने महीने की सैलरी? सैलरी हमें सिर्फ इस महीने की मिल रही है, जून तक की। उन्होंने बोला है जुलाई से कोई तनख्वाह नहीं मिलेगा, कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। और हमने बात करने की, हमसे कोई बात भी नहीं कर रहा है। हम कई बार इनको बोल रहे हैं कि हमसे सर मिलिए, हम कुछ पूछना भी चाह रहे हैं, हमसे कोई नहीं बात कर रहा, ना हमारा कोई फ़ोन उठा रहा है अंदर। कितने मजदूर हैं जो कंपनी के? हम लोग 104 है, जो हम लोग जिस ग्रुप में थे हम लोग 104 बंदे थे, ठीक है। अदर ग्रुप्स के और भी बंदे हैं, वो लोगों को 6 महीने की तनख्वाह दी है, हम लोगों को नहीं दे रहे हैं।